हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज है शिवरात्रि का दिन और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये नहाकर पूजा कर रहे हैं और मैं नहाकर निकल चुकी हूँ और जल्दी जल्दी कंघी कर रही हूँ क्योंकि जाना है मंदिर और ये बहुत जल्दी मचा रहे हैं। तो मैं चुन्नी यहाँ पर ढूंढ रही हूँ रेड कलर की, और सर्दियों में ना चुन्नी लेते नहीं है, मतलब ज़्यादातर शॉल और स्टॉल लेते हैं, तो चुन्नी मिल ही नहीं रही है, कहाँ है रेड वाली। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स आज है शिवरात्रि और हर हर महादेव महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह से मैं नहा धो ली हूँ और पूजा भी कर ली हूँ, मैं पूजा भी कर लिया है घर पे और अब जाऊंगी मंदिर। पूजा कर ली हूँ, अब मंदिर जा रही हूँ और मंदिर की सारी तैयारी कर ली हूँ क्योंकि इनको जाना है ऑफिस। तो फिर जल्दी जल्दी होगा ना, क्योंकि जल्दी से जल चढ़ा के आऊँ फटाफट। यहाँ पर मैंने दूध, केले, जोत, माचिस, सब कुछ, मतलब पूजा का सामान, मैंने ये धतूरा वाला फूल मुझे मिल गया था, सब कुछ मैं ले आई हूँ। बेलपत्र भी नीचे है इसमें। तो बस अब मैं भाग रही हूँ अपनी टोकरी लेके, और यहाँ पर थोड़ा सा दूध कच्चा मैंने रख लिया था, इसी में जल चढ़ा के शिव जी को चढ़ा दूँगी। ले ली है और लोटा भी ले लिया, बस जल चढ़ाने की तैयारी में हूँ। मेरी छुट्टी है लेकिन इनकी छुट्टी नहीं है ना, तो मुझे जल्दी करनी पड़ती है। फिर ये जा चुके हो, मैं भी फटाफट निकलूँ जिससे। बाहर बहुत धुंध हो गई है, फिर से मौसम खराब सा हो गया। ये देखिए बाहर सारी गाड़ी पे ऐसे ओस पड़ी है एकदम अचानक से, और मैंने स्वेटर भी नहीं पहना। कोई बात नहीं, हम गाड़ी में जा रहे हैं, दो मिनट जल चढ़ा के बस बाहर गाड़ी में ही आ जाऊंगी। मैंने स्वेटर पहनी है क्योंकि अंदर सर्दी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। बस घर के पास ही मंदिर है, हम पहुंच भी गए हैं बात करते करते। अरे मेरे स्कूल के ही रास्ते में पड़ता है, मतलब स्कूल का आधा ही है, यहीं से रोज मैं स्कूल भी जाती हूँ। खड़ी खड़ी, हाँ सही है। ये पूजा करके आके गाड़ी में बैठ गई हूँ और बहुत मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। हर हर महादेव, आज शिव जी का दिन है और आज ना बहुत, मतलब मुझे जाना भी है, कीर्तन है हमारा शिवरात्रि का, जिसके भजन जाएंगे भजन मंडली और थोड़े से व्लॉग में भी जाएंगे। लेकिन अभी घर चल के फटाफट नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि इनको जाना है, नहीं तो लेट हो जाएंगे। उसके बाद मैं फ्री होके फिर और काम करूंगी अपने जो भी घर के काम है ना। सुबह पूजा हो गई, मंदिर आ गई, काम, मतलब ऐसे लग रहा है बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, पूरा दिन अच्छा हो गया आज का। तो यहाँ पर मैं ब्रेड लेके, मतलब मंदिर से आई हूँ तो ब्रेड ली हूँ, और आज इनको ब्रेड का ही नाश्ता कराने वाली हूँ क्योंकि मैं कुछ बना नहीं पाई हूँ और टाइम हो गया है इनको ऑफिस जाने का बिल्कुल। तो ब्रेड फटाफट बटर लगा के दे दूँगी सामान देखे। सच में किसी तरह से इनको भेजते हैं तो गुस्से हो जाएंगे, लेट होंगे तो गुस्सा होने लगे घर के अंदर। और फटाफट तवा चढ़ाती हूँ इनको, बस सेक के देती हूँ नहीं तो लेट होंगे मेरे पांडे जी का गुस्सा। मैंने तवा फट से ब्रेड खोल लेती हूँ जल्दी से।
यहाँ पर इनकी पानी की बॉटल भी भर दी है और अभी नाश्ता कर रहे हैं, तो अब इनके शूज पॉलिश कर देती हूँ ताकि गुस्सा ना हो। तो बस जब तक ये नाश्ता कर रहे हैं तब तक मैंने इनका ना वाटर बॉटल भी फिल कर दी हूँ और शूज़ भी पॉलिश कर देती हूँ क्योंकि अभी इनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो वैसे भी मेरी छुट्टी होती है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूँ इनके सब काम मैं ही करके देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, पता नहीं क्यों, वरना धूप होने लग गई थी, आज धुंध हो गई अचानक से। ये निकल गए हैं ऑफिस के लिए, अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं ना सुबह जल्दी जल्दी जल चढ़ा चढ़ा के मतलब आई हूँ, मुझे लग रहा है अभी तसल्ली से मेरी पूजा नहीं हुई है, मतलब शिव चालीसा और शिव स्त्रोत वगैरह पढ़ूंगी। तो अब मैं इनको भेज चुकी हूँ, थोड़ा सा पूजा में बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। नमामि शनि शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चेदाकाशम आकाशवाशम वजेयम निराकार ओंकार मूलम त्रूरियम गिरा ज्ञान गोतिपीशम गिरीशम करालम महाकाले कालम कृपाल गुणाकार संसार पारम नतोऽहम। ओम जय शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा शिव वर दे भंडारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले संगनाथ महाशिव अरे दांगे धारा। ओम जय शिव ओंकारा। अब जो है मतलब पूजा यहाँ की भी हो गई है और अब मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरी पूजा जब तक अच्छे से नहीं होती ना मुझे कुछ अधूरा सा लगता है भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस पॉजिटिविटी की, मतलब जो हमेशा मैं खुश रहती हूँ ना वो यही राज है कि मैं जब तक पूजा ना दिल से कर लूँ ना मुझे अच्छी मतलब ऐसे लगता है कि दिन नहीं बना मेरा। बाबा का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर बना रहे। मैंने भोले बाबा के साथ थोड़ी सी रील भी बना ली है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और पूजा भी हो गई, रील्स भी बन गई है। तो अब मैं थोड़ा सा मतलब घर के काम निपटा लेती हूँ क्योंकि आज है ना हमारी भजन मंडली का मतलब कीर्तन है, शिवरात्रि का कीर्तन है, तो वहाँ भी मुझे जाना है। तो उससे पहले मैं सारे घर के काम समेट लेती हूँ फटाफट फटाफट, उसके बाद मैं मिलती हूँ, बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ कीर्तन में जाने के लिए और आज मैंने गाउन पहन लिया है और ये देखिए थोड़ी सी चूड़ियाँ मैचिंग की पहन ली है। बस तैयार जल्दी से हो गई हूँ और चलती हूँ, 3:30 बजे का टाइम है, 4:15 हो चुके हैं, तो मैं हमेशा की तरह आज भी लेट हूँ, तो फिर पहले मैं जाती हूँ। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग के साथ और अभी मैं चल रही हूँ, फिर आती हूँ मिलती हूँ आप लोगों से। बस यहाँ पर कर देती हूँ मैं लॉक, रेडी चलती हूँ। नीलम भाभी जी के यहाँ है हमारा कीर्तन, हम मेरे घर के पास ही है, हमारे जो है कीर्तन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग आए हैं जो पंक्चुअल हैं और कोई नहीं आया है। और आज भजन जो जाएगा ना वो हमारी भक्ति सागर मंडली पर जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को प्यार दीजिए जैसे मेरे चैनल को दिया है। ये चैनल हमारा मीना भाभी के हाथों में है क्योंकि ये भजन अच्छे गाती है, हमने इनके दम पे खोला है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तो भाभी गाएंगी अच्छे से, हम पीछे से तालियां बजाएंगे रौनक लगाएंगे जितना हो सकता है। बोलो साचे दरबार की जय, जगियां जोता वाली माता तेरी भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
से और अब हो गई है शाम, शाम की जोत बत्ती करती हूँ और ये भी आ गए हैं ऑफिस से। और आज हुआ ऐसे कि मैं चाबी लेके चली गई थी और ये आ गए पहले, तो ये आके खड़े थे गेट पे। मैं जल्दी जल्दी भाग के आई हूँ, खाना बनाऊंगी, पूजा करूंगी, खाना बनाऊंगी। पूरा दिन जो ना मैं भक्ति में डूबी रही, भोले बाबा की भक्ति में। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग ये भक्ति भाव वाला और शिव जी का ये स्पेशल दिन जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, अगर ये अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज करना क्या आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।